हेलो व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक छोटा मल्टीमीटर अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं कैसा निकलता है। पैकिंग तो अच्छी ही लग रही है। अभी लगता है और काटना पड़ेगा इसको अंदर से। लेके यस, देखने में हमारा ऐसा है मल्टीमीटर छोटा, जो कि नाम लिखा है IUU DT830D डिजिटल मल्टीमीटर। यह एक छोटा मल्टीमीटर है जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है, जिस पर रेट से लिखा है 490 रुपीज़, लेकिन ये हमें 280 के लगभग पड़ा है, 280 रुपये का हमें मिला है। तो चलो इसको हम खोल के देखते हैं कैसा है। ये कुछ इसके पीछे डायरेक्शंस दे रखे हैं, अब इसको खोलते हैं। काट के ही खुलेगा। अच्छी पैकिंग कर रखी है लगता है, और काटना पड़ेगा तभी खुलेगा, ये निकलेगा। ये इसका मैनुअल्स है, इसको बाद में देखेंगे। ये इसकी प्रॉप्स हैं, ब्लैक एंड रेड, इसको साइड में रख देते हैं। ये मल्टीमीटर है, हमने निकाल लिया है, जो कि देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। नए सीखने वालों के लिए ये मल्टीमीटर अच्छा है, क्योंकि महंगा मल्टीमीटर से सीखने वालों के लिए अगर ख़राब हो जाए तो दुख ना हो, क्योंकि ये मल्टीमीटर छोटा है, सस्ता भी है, इसलिए नए सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा है ये मल्टीमीटर। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको हम ऑन करके देखते हैं। हाँ, ये देखो 3 डिजिट इसमें आ गया है, ऑन हो गया है। इसमें वोल्टेज है डीसी वोल्टेज 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। अभी ऑफ हो गया है। अब है एसी वोल्ट के लिए, जिसमें 750 वोल्ट, 200 वोल्ट, और एम्पियर देखते हैं इसमें 2000 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर है, टोटल 10, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक इससे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए NPN और PNP के सिंबल बने हैं। अच्छा, मेन लीड इसमें ये 3 पोर्ट दे रखे हैं, ये तो कॉमन है। यहाँ से वोल्ट, ओम्स, मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं, चाहे बीच वाले से। ये सबसे ऊपर जो पॉइंट है ये वाला, इससे हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। इसमें बजर पॉइंट और कंटिन्यूटी टेस्टर भी है, जो कि हम ये नीचे दे रखा है, ये कंटिन्यू मोड पे है। अब इसको हम लीड को लगा के देखते हैं कि बजर बजता है नहीं बजता है। ये इसकी प्रॉप्स है, हल्की है लेकिन ठीक ठीक है, नई सीखने वालों के लिए ठीक ही है। काली प्रॉप्स हम कॉमन में लगाएंगे, काली प्रॉब लग गई। अब ये हम वोल्ट, ओम्स और मिली एम्पियर वाले सॉकेट में लगाएंगे रेड वाला। अब हम इनको दोनों को टच करके देखते हैं कि बीप की आवाज़ आती है या नहीं। हाँ, जो बीप की आवाज़ आ रही है, इसमें तो कंटिन्यू चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू चेक कर सकते हैं, और बीप से पता लग जाएगा कंटिन्यू ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस भी हम चेक कर सकते हैं इसी प्रॉब से द्वारा। ये 200 ओम्स के रेजिस्टेंस के लिए हमें यहाँ करना होगा, इसको नीचे
और 2000 ओम्स की रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे, और 20 के तक की रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और 200 के की रेजिस्टेंस हम यहाँ कर सकते हैं, और 2000 के की रेजिस्टेंस तक हम चेक कर सकते हैं। बाकी ठीक ठाक ही लग रहा है देखने में भैया, ये इतना ही कुछ है इसमें। नए सीखने वालों के लिए अच्छा है, छोटा है, हैंडी है, और पॉकेट में भी आप रख के ले जा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मोबाइल के साइज से ही लगभग है, बल्कि मोबाइल फ़ोन लंबा ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल से छोटा ही होगा। बाकी ठीक ठाक है। तो ये मैंने अमेजन से मंगाया था, आज ही मंगाया है। तो भाई इतना ही था इसके अंदर, बाकी मॉडल नंबर AH-HiUUI DT83D डिजिटल मल्टीमीटर है, देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ठीक है व्यूअर्स, बस इतना मैंने दिखाना था इसको, बाकी ठीक है। थैंक यू।